हेलो चैम्स, इस सेशन में हम अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को समझेंगे और उनको प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्स, हमारे पास पहली अल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, और इसका सॉल्यूशन निकलता है ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ले लेते हैं, ए प्लस बी स्क्वेयर, और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी। ऑफकोर्स अब इन दोनों को आप देख रहे हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ए का मल्टीप्लीकेशन यानी ए का मल्टीप्लीकेशन हम ए बी से करेंगे, तो ए प्लस बी आ जाएगा हमारे पास। प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी के साथ। तो आइए इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ए का ए से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा ए स्क्वेयर, ए का मल्टीप्लाई प्लस बी से होगा तो प्लस आएगा। अब ए का मल्टीप्लाई हम ए बी बी के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी। इसी तरह से प्लस बी का जब हम मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी, और बी का जब मल्टीप्लाई हम प्लस बी से करेंगे तो हमारे पास आएगा बी का स्क्वेयर। तो आइए अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ए स्क्वेयर एज इट इज रहेगा। अब यहां पर हमारे पास है ए बी प्लस ए बी, तो ये दोनों अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो इसका आंसर आएगा टू ए बी, और बी स्क्वेयर हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो अब देख रहे हैं कि हमने इसको प्रूव कर दिया है, तो इसको लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। चैम्स, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इस आइडेंटिटी के बेस पे कुछ सम सॉल्व करूंगा। तो चैम्स, अब आइए अब अगली आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। चैम्स, नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइए इसको प्रूव करते हैं। तो वही हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो भाई अब ए का ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करें जैसे हमने पहले किया था। तो ए का मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस बी, बीच में माइनस का साइन आ गया। अब बी का मल्टीप्लाई करते हैं ए माइनस बी के साथ। हम मल्टीप्लाई साइन भी लगा सकते हैं और हम एक डॉट भी लगा सकते हैं, तो इन दोनों का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं ए का मल्टीप्लाई अब ए से होगा तो यहां पर हमारे पास आता है ए स्क्वेयर, ए का मल्टीप्लाई माइनस बी से होता है तो आता है माइनस ए बी। इसी तरह से हमारे पास माइनस बी का मल्टीप्लाई जब ए से होगा तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा माइनस ए बी, और यहां पर माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो बी का बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा बी स्क्वेयर। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वेयर हमारे पास एज इट इज रहेगा, ये माइनस ए बी है, ये माइनस ए बी है, तो ये हो जाएगा माइनस टू ए बी, और प्लस बी स्क्वेयर हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई है इसके साथ। श्योर प्रूव्ड। तो आइए अब नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। चांस हमारे पास है ए माइनस बी का प्रोडक्ट करना है हमें ए प्लस बी के साथ, तो इसका सोल्यूशन निकलेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आइए प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो ए का मल्टीप्लाई हम ए प्लस बी के साथ करेंगे, तो ए हम बाहर ले मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस बी। अब हमारे पास माइनस बी है तो माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। तो आइए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ए का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ए स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास, ए का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो प्लस ए बी आ जाएगा। इसी तरह से माइनस बी का ए के साथ करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा हमारे पास, और माइनस बी का प्लस बी से करेंगे तो माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं ए स्क्वेयर एज इट इज हमारे पास नीचे आ जाएगा। यहां पर हमारे पास प्लस ए बी है और यहां पर माइनस ए बी है, तो ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे, तो जो बचेगा हमारे पास बचेगा माइनस बी स्क्वेयर। तो आप देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी हमारी प्रूव हो गई है।
चैम्स, इन तीनों आइडेंटिटीज के बेस पर जो मैंने आपको बताई हैं, इनके ऊपर अब हम कुछ सम्स, इंपॉर्टेंट सम्स करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ अगले सेशन में बने रहिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर।